श्री कृष्ण ने बताया कन्यादान का सही अर्थ। विवाह में अपनी पुत्री को दान करना कन्यादान नहीं है। कन्यादान हिंदू धर्म में विवाह संस्कार का एक महत्वपूर्ण रस्म माना जाता है। कन्यादान में कन्या को उसके पति के हाथों में सौंपा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कन्यादान का असली अर्थ कन्या का दान करना नहीं होता है, बल्कि श्री कृष्ण ने इसका अर्थ सही मायनों में समझाया है और ये भी बताया है कि ये जरूरी है या नहीं। हिंदू धर्म में जब विवाह होता है तो उसमें एक रस्म निभाई जाती है जिसमें माता पिता शादी करके अपनी बेटी को उसके पति को सौंपते हैं और दान से जुड़े वचनों को कहते हैं। इस रस्म को कन्यादान कहते हैं। कन्यादान को हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दान माना जाता है और अक्सर लोग इसका अर्थ लगाते हैं कि कन्यादान का अर्थ है कि माता पिता ने अपनी पुत्री दूसरे परिवार को हमेशा के लिए दान कर दी है और अब उसका उसकी पुत्री पर कोई अधिकार नहीं रह गया है, जो कि इस रस्म के प्रति लोगों की एक गलत समझ विकसित करता है। कन्यादान का अर्थ है कि पिता अपनी पुत्री की जिम्मेदारियों को वर को सौंप देता है और वर कन्या को सुखी और संपन्न रखने की जिम्मेदारी लेता है। कन्यादान में वर पिता को वचन देता है कि वह उनकी पुत्री का हमेशा ख्याल रखेगा और उस पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देगा। लोग कन्यादान को विवाह का जरूरी हिस्सा मानते हैं, जबकि जानकारों के अनुसार वेदों में कन्यादान का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि यह रस्म मनुस्मृति ग्रंथ से ली गई है। इन प्राचीन ग्रंथ में एक महिला के अस्तित्व के लिए एक पुरुष संरक्षक होना आवश्यक माना जाता है। हमारे देश का कानून भी कन्यादान के रस्म को अहम नहीं मानता, बल्कि विवाह के लिए वो केवल विवाह के साथ फेरों को ही अहम सबूत के रूप में देखता है। कन्यादान से जुड़े श्री कृष्ण ने भी एक व्याख्या की है जो आजकल के लोगों के कन्यादान से जुड़ी मिथकों को पूरी तरह तोड़ता है। जब श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हो रहा था तो यह विवाह गंधर्व विवाह की श्रेणी में आ रहा था, जिसमें लड़का लड़की अपनी मर्जी से भगवान को साक्षी मानकर विवाह करते थे। जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन और सुभद्रा का गंधर्व विवाह करवाया तो बलराम ने उनका विरोध करते हुए कहा कि कृष्ण, जिस विवाह में कन्यादान ना हो वो विवाह पूर्ण नहीं होता। इस पर श्री कृष्ण बलराम को कन्यादान का असली अर्थ समझाया था। श्री कृष्ण ने कहा है कन्यादान के बारे में, श्री कृष्ण ने बलराम से कहा था कि कन्या कोई पशु नहीं है जिसका दान किया जाए, ये सोच ही पशुवत सोच है। कन्यादान का सही अर्थ है कन्या का आदान करना, ना कि कन्या को दान में देना। आदान का अर्थ होता है लेना या ग्रहण करना। कन्यादान के समय पिता उसके पति को यह कहता है कि मैंने अभी तक अपनी बेटी का पालन पोषण किया, जिसकी जिम्मेदारी मैं आज से आपको सौंपता हूँ। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि पिता ने बेटी का दान कर दिया और अब उसका बेटी पर कोई हक नहीं रहा। दान उस वस्तु का किया जाता है जिसे आपने कमाया है, लेकिन बेटी को आप संपत्ति नहीं समझ सकते, बल्कि वो आपकी संतान है, भगवान का दिया हुआ अमूल्य सौगात है, इसीलिए उसका दान नहीं हो सकता। पुत्री को महादान समझकर दान करने वाले पुण्य करने के बजाय पाप के भागीदार हो सकते हैं, क्योंकि उनका मन गलत अर्थों को समझकर पुत्री के साथ एक तरह से अन्याय कर रहा है। कन्यादान की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? पौराणिक कथाओं के अनुसार कन्यादान की प्रथा सबसे पहले दक्ष प्रजापति द्वारा शुरू की गई थी। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, जिनका विवाह उन्होंने चंद्रदेव से करवाया था ताकि सृष्टि का संचालन सही तरीके से हो सके। उन्होंने अपनी 27 कन्याओं, जो कि 27 नक्षत्र भी मानी जाती है, को चंद्रदेव को सौंपते हुए कन्यादान किया था। जहाँ तक इस प्रथा की उत्पत्ति का सवाल है तो वेदों में इसका जिक्र नहीं मिलता है, क्योंकि वेदों में कभी भी पुरुषों और महिलाओं में कोई अंतर नहीं किया जाता था। वेदों के समय में स्त्री और पुरुष दोनों को एक समान ही समझा जाता था। वेदों के समय में स्त्रियाँ
स्वयंवर करती थी और अपने जीवन साथी का चुनाव खुद ही करती थी, जो शादियां समानता के आधार पर ही होती थी। फिर मनुस्मृति के समय में कन्यादान की प्रथा का आरंभ हुआ और धीरे धीरे यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रथा बन गई। ऐसा माना जाता है कि मनुस्मृति को आरंभ हुआ तब उसमें 8 तरह की शादियों का वर्णन किया गया, जिसमें से सर्व प्रमुख ब्रह्म विवाह होता था। इस विवाह में लड़की का पिता अपनी कन्या के लिए एक सुयोग्य वर का चयन करता था और उसे कुछ स्वर्ण या पैसा देकर अपनी कन्या का दान उस पुरुष को करता था। मनुस्मृति के समय समाज पुरुष प्रधान था और स्त्रियां पुरुषों पर निर्भर होती थी। इसी वजह से यह नियम बना कि पिता किसी सुयोग्य वर का चयन करके ये अपनी कन्या का दान करेगा। उसी समय से शुरू हुई थी कन्या की प्रथा, कन्यादान की प्रथा। कन्यादान का महत्व, कन्यादान की प्रथा को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब विवाह के दौरान कन्या का पिता विधि विधान के साथ कन्यादान की रस्म को निभाते हुए अपनी बेटी का हाथ वर को सौंपता है तो बेटी के ससुराल और मायके दोनों का ही भाग्य अच्छा बना रहता है। इसी वजह से यह रस्म महत्वपूर्ण और आवश्यक मानी जाने लगी और इसे महादान के रूप में देखा जाने लगा। कन्यादान को महादान क्यों कहा जाता है? विवाह के समय वर और वधु को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसे में लड़की का पिता अपनी लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री को वर पक्ष को सौंप देता है। इसी वजह से कन्यादान को महादान माना जाता है। यदि कोई लक्ष्मी का दान करता है तो वह अपनी सुख समृद्धि का दान भी कर देता है, तो इसी वजह से कन्यादान को महादान माना जाता है। कन्यादान कैसे किया जाता है? कन्यादान की प्रथा अलग जगह पर अलग तरीके से निभाई जाती है। आम तौर पर इस प्रथा में वधु की हथेली को एक कलश के ऊपर रखा जाता है, फिर कन्या का पिता वर की हथेली पर अपनी बेटी का हाथ रखता है, उसके ऊपर बाद फूल, गंगा जल और पान के पत्ते रखकर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और हल्दी से कन्या के हाथ उसके माता पिता पीले करते हैं। मंत्रों के उच्चारण के साथ माता पिता अपनी बेटी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और हमेशा खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। आज के समाज में कन्यादान भले ही कितना महत्वपूर्ण क्यों न हो, लेकिन एक पिता के लिए यह एक भावुक क्षण भी होता है, क्योंकि वो अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे हाथों में सौंप देता है। जय श्री कृष्ण।